नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फिर एक नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर है और ये खबर है आज की यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लेकर। दरअसल दोस्तों, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप इस समय चर्चा का विषय है क्योंकि 2030 में इसकी लॉन्चिंग होगी। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा बनाया गया है, जिसके बारे में जून 2022 में ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया था कि नए रहस्य को उजागर करने के लिए 2023 में लॉन्च किए जाने वाले यूक्लिड अंतरिक्ष यान को अब असेंबल कर लिया गया है, यानी इसका काम अब पूरी तरह से हो चुका है। आज इसी के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप आया ही क्यों है, आखिर इस मिशन की क्या जरूरत है। दोस्तों, तो ब्रह्मांड को जितना भी अब तक समझा गया उतना कम है, क्योंकि हर बार इसे जितना समझने की कोशिश की गई, कुछ नया ही आयाम सामने आया, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार ये बताते ही है अपनी चर्चा में कि हमने अब तक ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसे जितना समझो कम है। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इस मिशन का उद्देश्य 6 साल का है, जिसमें ये सूर्य की परिक्रमा तो करेगा ही, साथ ही साथ ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाने के लिए तस्वीर भी लेगा, ऐसे काम शामिल है इस मिशन में। दोस्तों, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप मिशन को 2023 की विस्फोटक खबर माना जा रहा है। यूक्लिड में 2 उपकरण होंगे, VIS इमेजर और NISP निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर, जिनका काम होगा 10 अरब प्रकाश वर्ष तक की अरबों आकाश गंगाओं का अवलोकन करना, फोटोमेट्रिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुणों का स्टडी करने के लिए 3D पिक्चर्स को लेना। इसके अलावा सौर पैनल भी होगा, जो मदद करेगा बिजली पैदा करने और अंतरिक्ष की तरफ दूरबीन का मुख करने में, ताकि अंतरिक्ष को और करीब से जाना जा सके। इस मिशन को जरूरी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि खगोलविदों को यह जानने की मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ और ब्रह्मांडी संरचनाएं आखिर कैसे बढ़ी हैं ब्रह्मांड में, क्योंकि यूक्लिड अरबों प्रकाश वर्ष दूर अरबों आकाशगंगाओं की तस्वीर लेने का काम करेगा। इसके साथ ही रात के आकाश के 1/3 से अधिक एरिया को कवर भी करेगा, ताकि बारीक से बारीक खबर पर भी इसकी नजर रहे। वैसे एक जो सबसे जरूरी काम है इस मिशन का, इस टेलीस्कोप का, वो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी में मजबूती लाना, क्योंकि इसको लेकर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मिथ हैं। वैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर टेलीस्कोप के द्वारा तो दिखाई नहीं देगा, पर चूंकि बड़ी संख्या में आकाश गंगाओं का अध्ययन किया जाना है, इसी वजह से इन्हें भी समझ पाना और गहराई से कि आखिर कैसे बनते हैं, इनका अस्तित्व कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे जानने में मदद मिल सकेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार और गांगे सुपर क्लस्टरों का विस्तार डार्क एनर्जी पदार्थ के प्रभाव के चलते ही हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं वैज्ञानिक। यूक्लिड का पूरा ध्यान यही समझने का होगा कि डार्क यूनिवर्स क्या है। वैसे सरल शब्दों में डार्क यूनिवर्स वह है जिसे अब तक नहीं देखा गया। नासा की बात करें तो नासा का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा लगभग 68% डार्क एनर्जी से बना है, वहीं लगभग 27% डार्क मैटर से बना है, और ये दोनों घटक मिलकर डार्क यूनिवर्स बनाते हैं। वहीं कई खगोलविदों का मानना है कि अरबों आकाश गंगाओं में स्थित खरबों तारे और ग्रह ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनाते हैं। वैज्ञानिकों को ऐसा भी पता चला था कि इस डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस तरह खगोलविदों ने अभी तक यही समझा कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांडी विस्तार को गति देती है, वहीं डार्क मैटर ब्रह्मांडी संरचनाओं के विकास को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन इस बात की कितनी संभावना या सच्चाई है वे अभी भी नहीं जानते, और इसी के लिए यूक्लिड मिशन को तैयार किया गया है, ताकि सही क्या है उसका पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लेकर, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है और जिसकी लॉन्चिंग 2023 में की जानी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े हमारे चैनल एनवर्ल्ड से हमें इजाजत दे, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।